हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ER.हिमांशु सक्सेना। तो गाइज, ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ये मैं अर्जेंटली बेसिस पे आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। और इस वीडियो में आपको वन प्लस नोट 2 से रिलेटेड अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। जैसे कि कल की लाइव स्ट्रीमिंग में आपने देखा होगा, मैं आपको कल भी बोला था कि आप लोगों को अपडेट C.13 का बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और वैसा आज हो चुका है, C.13 का अपडेट आपको यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है। इस अपडेट में क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कम्प्लीटली समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक नहीं किया था लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो गाइज, आप लोगों को दिख रहा होगा यहां पर साइड में स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, वन प्लस नोट 2 के लिए बिल्ड वर्जन आ चुका है DN21, जो कि C.13 का है। आप लोग देख पा रहे होंगे एंड्रॉयड 12 के लिए है, ऑक्सीजन ओएस 12.1 और एंड्रॉयड 12 के लिए ये कंपेटेबल है ऑक्सीजन वन प्लस नोट 2 के लिए। तो गाइज, जैसे कि मैंने अपने कल की वीडियोज में भी आपको बताया था कि वन प्लस के अंदर C.13 का अपडेट देखने को मिलने वाला है जल्दी, और एंड्रॉयड 13 का अपडेट आपको मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 13 का मार्च में, लेकिन C.13 का अपडेट आपको आज कल में देखने को जल्दी मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था और आज अपडेट आपको मिल चुका है, इसलिए ये वीडियो अर्जेंट बेसिस पे आपको शूट करके दे रहा हूँ। लेकिन गाइज, इसमें भी एक ट्विस्ट है, इसमें भी एक वन प्लस की गलती मैंने पकड़ी है। और यहाँ पर गलती ये है कि इस अपडेट में आपको सिक्योरिटी पेज प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि होना था। और दोस्तों ये जो गलती है, ये पहले की तरह ही ये अपडेट में गलती C.12 के अंदर की थी वन प्लस ने, और वही गलती बार बार दोहरा दी है और C.13 के अंदर। तो गाइज, ये जो गलती है कि ये यहाँ पर वन प्लस 100% फिक्स करेगा जैसे C.12 के अंदर की थी। उसमें भी क्या हुआ था, दिसंबर में अपडेट रोल आउट किया था C.12 का, और काफ़ी ज़्यादा यूजर्स 15 दिसंबर के लगभग, और काफ़ी ज़्यादा यूजर्स को जो अपडेट है वो जनवरी में प्रोवाइड हुआ है। तो गाइज, इसमें भी वही सीन देखने को मिल सकता है कि 800 MB का है, 804 MB का अपडेट है, और इसके अंदर जो सिक्योरिटी है वो तो इन्हेंस हुई है, इम्प्रूव की गई है सिक्योरिटी को। लेकिन गाइज, इसमें जो सिक्योरिटी पेज है, सिस्टम सिक्योरिटी तो यहाँ पर इम्प्रूव की गई है, लेकिन गाइज यहाँ पर वो बात करें सिक्योरिटी पेज की, तो वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो गाइज, यहाँ पर आपको अपडेट अगर मिल जाता है तो आपको अपडेट को इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करना है और ध्यान देना है। यहाँ पर आपको अपने बैटरी परसेंटेज पे आपकी 55% से बैटरी नीचे नहीं होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करके मैं आपको शेयर करता हूँ, अवेयर कराता हूँ। अगर ये पॉइंट अगर आप छोड़ देते हैं, अगर मिस कर देते हैं, तो आपके साथ यहाँ पर आपका मोबाइल डेड भी पड़ सकता है, आपको डायरेक्टली सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा और फ्लैश कराना पड़ेगा। तो ये नौबत ना है, इसलिए ये दोनों चीज़ों का ध्यान दें, एक तो इंटरनेट कनेक्टिविटी और दूसरा बैटरी परसेंटेज, और एक बार में डाउनलोड एक बार में इंस्टॉल करना है, नहीं तो अदरवाइज ये जो अपडेट है ये चला जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है। अब बात करते हैं कि हमें सिक्योरिटी पेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। गाइज, आप लोग भले ही ये अपडेट इंस्टॉल कर लें, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पेज मिलेगा। आप लोग जो लोग कर लेते हैं इंस्टॉल, उन लोगों को एक छोटा पेजेस अपडेट भी मिल जाएगा, और उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके में वो सिक्योरिटी पेज इनबिल्ट हो जाएगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये फेज 2 फेज 3 कुछ अपडेट होगा, उसमें ये इनबिल्ट होके आने वाला है सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी पेज। और गाइज, आप लोग बेफिक्र रहिए, वन प्लस के नोट 2 यूजर्स फेज 2 और फेज 3 वाले, उन लोगों को बहुत ही जल्द यहाँ पर अपडेट देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, आज की इस वीडियो का मोटिव बस ये था कि आप लोगों को अपडेट से अवेयर कराना था कि C.13 का अपडेट यहाँ पर रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। बार बार मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जिन लोगों को मिल गया है वो आप लोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट में सिर्फ सिक्योरिटी पेज नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आपकी इन्हेंस कर दी गई हैं, तो आप लोग इस अपडेट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूँ बहुत ही जल्द ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।